सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें चोपटा क्षेत्र के गांव शक्कर मंदोरी की हैं, जहां पे आपको बता दें कि टीम कप्तान मीनू बेनीवाल के द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान जो है वो चलाया गया है। और इस अभियान के मद्देनज़र चोपटा क्षेत्र के अलग अलग गांव में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट वितरित करने का काम टीम कप्तान मीनू बेनीवाल कर रही है। इससे पहले अगर आपको बताना चाहूं तो अलग अलग विकास कार्यों के कारण जो है वो टीम कप्तान मीनू बेनीवाल चर्चा में आई थी। और एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में मीनू बेनीवाल जो है वो काफ़ी सुर्खियों में आए थे, जिन्होंने गाँव में जा करके और गौशालाओं में जा करके करोड़ों रुपयों की सौगात जब वो दान स्वरूप देने का काम किया था। तो उसके बाद अब युवाओं के बारे में मीनू बेनीवाल ने एक खास तरकीब सोची है कि युवाओं को जो है वो होने वाली दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। तो ऐसे में सड़क सुरक्षा अभियान के नाम से एक अभियान चलाया। हालांकि मीनू बेनीवाल खुद यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनकी जो टीम है उनकी गैर मौजूदगी में जो उनके कार्यों की देखभाल करती है, जो विकास कार्यों में अपना बखूबी योगदान देती हुई नज़र आती है, तो उस टीम ने जो है वो गांव-गांव जा करके सड़क सुरक्षा अभियान के मद्देनज़र दोपहिया वाहन चालक जो युवा हैं उनको हेलमेट वितरित करने का काम किया। तो ऐसे में टीम कप्तान मीनू बेनीवाल खुद हेलमेट वितरित नहीं कर रही है, बल्कि अगर शक्कर मंदोरी गाँव की बात करें तो शक्कर मंदोरी गाँव के अंदर दूसरा गाँव जो जोगीवाला गाँव है, जोगीवाला गाँव के युवाओं के द्वारा जो है वो ये हेलमेट वितरित करवाए गए। और जब जोगीवाला गांव में जाएंगे तो किसी दूसरे गांव के युवाओं से हेलमेट वितरित करवाने का काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें तो टीम कप्तान मीनू बेनीवाल का एक बहुत बड़ा प्रयास इसको हम कह सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगर बात करें तो दुपहिया वाहनों का जो एक्सीडेंट का खतरा, जो दुर्घटना का खतरा बना रहता है, वो दुर्घटना जब हेलमेट होगा तो किसी की जान जाने की संभावनाएँ जो है वो कम प्रतीत हो रही हैं। वहीं जब अगर बात करें तो ग्रामीणों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि टीम कप्तान मीनू बेनीवाल की तरफ से हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गांव के युवाओं को हेलमेट बांटे गए हैं। देखो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, कैप्टन साहब को। एक बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं है तो चिंता रहे, बहुत सी ऐसी दुर्घटना भी हेलमेट पाटियो बच्चों बचियो, जो कोई मोटरसाइकिल पर है भाई है बड़ो है छोटो है, लेकिन वो बच गए। हेलमेट बिना बहुत सा हादसा है, ना तो श्री चौपटा हूँ उन्हें नराने का नहीं, जितो रोड के ऊपर देखा दिल्ली का हादसा। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरे एरिया की अपन पूरा काम नहीं सका अपनी सुरक्षा के खतर में बहुत बड़ा कार्य हो, देखिए आप अपन सारा बहुत बड़ी अतरियाँ देखना चाहते हैं भाई साहब। तो भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलमेट तो एक यहाँ मानो का अपना जीवन है, मोटरसाइकिल पर मोटरसाइकिल चलावा तो मैं भाई साहब को फिर बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। कैप्टन कप्तान साहब ने जो हेलमेट दिए वो एक मुहिम चलाई है, ये हेलमेट बगैर जिंदगी अधूरी है, कि अगर बाइक कोई चला रहे हैं बाइक चलाओगे तो हेलमेट पहले पहनो, बाइक पर फिर चढ़ो, ये जरूरी है। बाकी भाई कप्तान साहब को धन्यवाद भैया, एक भाईचारा कायम करने खातर वो सिस्टम चलने लग रहा है, जिंदगी खातर हेलमेट जरूरी है। कई घर में लेके चले जाएगा हेलमेट, पुलिस वाला दिखेगा अगर बाज के मैंने हेलमेट लगाया हुआ जरूर को नहीं 500 पड़ेगी उसको, तो हेलमेट जरूरी है। सड़क दुर्घटना वो हेलमेट भी बचा सके मोटरसाइकिल वालों खतर है, जवान है यंग छोड़ा है, रिक्वेस्ट है हेलमेट बिना घरों ना चलो।